हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला राजमार्ग पर मरम्मत कार्य में देरी होने के चलते व्यापार मंडल मुखर हो गया है। पिछले एक माह से ज्यादा समय से मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने पर व्यापार मंडल ने डीसी हमीरपुर से मिलकर जल्द काम को पूरा करने की गुहार लगाई है। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान अनिल सोनी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द काम को करवाया जाए ताकि त्योहार सीजन में प्रभावित हो रही दुकानदार ठीक से चल सके। हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला राजमार्ग पर मरम्मत कार्य में देरी होने के चलते व्यापार मंडल मुखर हो गया है। पिछले एक माह से ज्यादा समय से मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने पर व्यापार मंडल ने डीसी हमीरपुर से मिलकर जल्द काम को पूरा करने की गुहार लगाई है। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान अनिल सोनी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द काम को करवाया जाए ताकि त्योहार सीजन में प्रभावित हो रही दुकानदारी ठीक से चल सके। व्यापार मंडल अनिल सोनी ने बताया कि त्योहार सीजन में हमीरपुर के दुकानदारों को मंदी झेलनी पड़ रही है क्योंकि मेन सड़क का मरम्मत काम चला हुआ है जिसके कारण दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक महीने से सड़क मरम्मत काम चला हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क के साथ फुटपाथ बनने के काम को भी कछुए की चाल से पूरा किया जा रहा है जिसे तेजी से किया जाए। मतलब है कि नादौन चौक से बोटा चौक तक सड़क मरम्मत काम धीमी गति से होने के चलते बाजार के व्यापारी वर्ग नाराज हो गया है और इसी के चलते अब हमीरपुर व्यापार मंडल मोर्चा खोलते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपकर जल्द काम पूरा करने की मांग की है। आज व्यापार मंडल की तरफ से हम डीसी साहब को मिलने जा रहे हैं जिसमें हमारे इश्यूज हैं कि ये जो परे न्यू रोड का काम लगा हुआ है, बस स्टैंड वाले रोड का काम लगा हुआ है, ये अपनी तय सीमा से बहुत ज्यादा लेट है जिससे हमारे दुकानदार भाइयों का ये जो हमारा त्योहारी सीजन चला हुआ है, सारे दुकानदारों के दुकान पे जितना सामान पड़ा है वो डस्ट की वजह से ख़राब हो चुका है और ना दुकानदारी करने के काबिल बचे हैं लोग, ना सड़क में चलने के काबिल बचे हैं। तो और ये जो आपके पास डीसी ऑफिस से लेके नदौन चौक तक ये जो आपका फुटपाथ का काम चला हुआ है इसकी वजह से हमारे को कुछ परेशानी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी बात, ये जो अनऑथराइज लोग यहाँ पे हमीरपुर में सेल लगा रहे हैं, हम उसके खिलाफ व्यापार मंडल ने मोर्चा खोला हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जो इनका सिस्टम है, पर मैं इनमें एक राय अपनी तरफ से मैं ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये जो आज सुंदरीकरण का काम या मॉडर्नाइजेशन का काम जो चल रहा है हमीरपुर शहर में फुटपाथ के जरिए, उसमें मैं एक अपनी राय रखना चाहूँगा जो मैं अभी डी साहब से बात भी करूँगा कि ये जो एक ट्रेंच बन रही है, इस ट्रेंच को इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए कि इसी में कल को कोई केबल डालने वाला या कोई और पाइप डालने वाला या कोई कल को हमारी हमीरपुर में कोई अंडरग्राउंड बिजली का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो दोबारा बार बार इन रोडों को उखाड़ने का काम या नेशनल वेस्टेज ना हो, इसलिए ये एक ही ट्रेंच में अपनी केबल्स अपनी सारी चीज़ें डालें ताकि नेशनल वेस्टेज को रोका जा सके। उसमें बात ऐसी है कि बावजूद इसके हर प्रशासन के हर अधिकारी के साथ मिलने के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई रोक टोक इन चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाया गया प्रशासन की तरफ से, तो आज ये भी हमारा तो एक व्यापार मंडल अब क्या करेगा आपकी बात नहीं सुन रहा है। देखिए अभी तक तो हमारे व्यापारी भाई नुकसान झेल रहे हैं और अभी तक भी वो अपनी एक सीमा में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका जल्दी से जल्दी हल करे और हमारे व्यापारियों को न्याय मिले। ये काम एक रात में भी संभव है पर इसको करने की मंशा मुझे लग नहीं रही है कि प्रशासन इस पे कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो मैं ये बार बार इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि हमारे दुकानदार भाइयों को राहत हो और आने जाने वालों को भी राहत हो। जो हमारा ये गाड़ियों का चलान बगैर मतलब के चलान कर रहे हैं, पिछले कल की बात है, अभी गांधी चौक में जब लॉन्ड्री तब तो गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इन्होंने कल पता नहीं एक जो यहाँ पे लगाया है पुलिस प्रशासन ने वो अनऑथराइज बंदों का और उनको अनाप शनाप बोलता है, जो पवन कुमार के नाम से एक हवलदार है वहाँ पे और अनऑथराइज उसने चलान कर दिया गाड़ी का जब वहाँ गाड़ी जाने का टाइम था। तो हमें ये बताया जाए कि सामान कब उतारा जाए, व्यापारी जो छोटे दुकानदार हैं वो सामान कब गाड़ी में उतारे, एक तरफ 9 बजे दुकानें खुलती हैं 8 बजे बंद होती हैं, तो दूसरी तरफ लेबर एक्ट भी है, हम कहाँ जाएँ किस तरह किसका है? वैसे भी गाड़ी जब अंदर आती है बाहर गाड़ियों का निकालते निकालते चलान कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो हम चाहते हैं कि व्यापारियों को उसका एक फिक्स टाइम दिया जाए कि आप गाड़ियाँ उतार रहे हैं, काम स्मूथली चले, हम व्यापारियों की वजह से ही टैक्स देता है व्यापारी, तभी देश चला हुआ है, इसके बारे में हमें व्यापारियों को उच्च रियायत मिले, हमारा ये कहना है।